हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल साइंस इजी विद मी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको अपसरस समझना पड़ेगा। अगर आप अपसरस नहीं समझते तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अपसरस को जानने के लिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्लॉक ऑफ वुड लेते हैं, उसे हमने क्या करके हेल्ड कर रखा है बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर हम इस हैंड को हटा दें तब क्या होगा, अगर हम इस हैंड को रिलीज कर दें तब क्या होगा कि जो ब्लॉक ऑफ वुड होगा उसमें एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो क्या होगा, राइज हो जाएगा सरफेस पर। इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथर्स कहते हैं और कभी कभी इसे बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। अपथर्स एक प्रकार का फोर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसे हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि बाउंस बैक हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बाउंस बैक हो रहा है, इस वजह से हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अपथर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वो एक प्रकार की अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, ठीक है, जब उसे फ्लूइड में डुबाने की कोशिश की जाए। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या स्टेट करता है कि जब बॉडी होली और पार्शली पूरी तौर पर या आधी तौर पर इमर्ज की जाए, डुबाई जाए इन अ फ्लूइड, वो एक्सपीरियंस करता है एक अपसरस फोर्स जो इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड के डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड वो हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, उतना ही अपसरस फोर्स वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उतनी ही ज़्यादा अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। एक बार दोबारा प्रिंसिपल स्टेट कर लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शली इमर्ज इन फ्लूइड, जब पूरी तौर से या पार्शली इमर्ज होता है एक फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपसरस इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना अपसरस वो महसूस करेगा, जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। एक इस चीज़ को समझाने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट की, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसकी इमेज बना रखी है और जितना वो फुली डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा होगा, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही अपसरस वो महसूस करेगा। एक बेसिक तौर पे हम समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। वेन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ फ्लूइड, उस पर दो तरह की फोर्स एक्ट करती हैं, एक तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड एक्ट करता है और अपसरस जो एक्ट करता है अपवर्ड। अपसरस की वजह से क्या होता है, वेट ऑफ वेट कम हो जाता है ऑब्जेक्ट का जब वो फ्लूइड में डुबाया जाता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर हो अपसरस से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा अपसरस से तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, क्या होगा, वो डूबेगा। अब दूसरा केस क्या है, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा अपसरस के तब क्या होगा, तब जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा किसे, इनसाइड, जैसे फिश विल रिमेन एट एनी लेवल लाइक फिश, पानी के किसी भी लेवल में हो सकता है, जैसे कि फिश होती हैं बीच में तैरती हैं उस तरह से। जैसे हम एक सिंपल बोट का एग्जांपल ले लें, तो बोट क्यों नहीं डूबती, उस वजह से नहीं डूबती कि जो अंदर से वो खाली होती है, उसमें एयर भरा होता है और उसका थोड़ा सा इमर्ज होती है, जितना इमर्ज होती है, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करती है, उतना ऑब्जेक्ट के मतलब बोट के वेट के बराबर होता है। थैंक यू वेरी मच।